हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई राणा दानिश साहब, देख सकते हैं आप, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं भाई। तो इस टाइम हम जा रहे हैं भाई गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने, और आज आपको सीन दिखाते हैं यार। इलेक्शन वगैरह जैसे कि आप जानते हैं हो रहे हैं, तो जलसा दिखाएंगे आज आपको नून लीग का भाई, जहाँ पे रहीमिया खान की बड़ी हस्ती मानी जाती है, मानी जाती होगी यार, हम तो नहीं मानते, खैर गजब बेइज्जती है। मियां इम्तियाज आ रहा है, और कौन यार वो जाफर, क्या नाम था उसका भाई, उमर जाफर, तो इस तरह के नाम के बंदे आ रहे हैं। मैंने कहा चलो यार व्लॉग कर लेते हैं, और कुछ नहीं, कोई कंटेंट तो मिल नहीं रहा था आपके भाई को, मैंने सोचा व्लॉग वगैरह कर लेते हैं इसी पे ही। तो इस टाइम तो यार आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं फिलहाल गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने, इसके बाद फिर हम आपको जलसे पे लेके चलेंगे यार। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे जहाँ से हमने ऑयल चेंज करवाना है। चलो यानी ओए होए यार, वो कह रहे हैं ऑयल चेंज नहीं हो सकता इधर, क्या सीन है, इधर नहीं होगा चेंज। ओह माय गॉश, चलो यार कहीं और से देखते हैं। तो यार ये हम दूसरी वर्कशॉप पे आ चुके हैं, इनसे बात हो गई हमारी, कह रहे हैं जी कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है। यार ये देख सकते हैं आप, ये ऑयल चेंज होने लगा है। तो भाई वर्कशॉप की इन्होंने मना किया है कि वीडियो नहीं बना सकते हम, जिस वजह से यार वर्कशॉप अंदर से दिखा रहे, वरना जो माहौल है बिल्कुल अंदर वर्कशॉप में। तो आप अपनी गाड़ी को ही देख सकते हैं भैया, अपनी गाड़ी से बना सकते हैं वीडियो वगैरह अपनी गाड़ी की। चेंज करवाया यार, फाइनली भाई सारी कैन ख़त्म हो चुकी है ऑयल की, अब ये ढक्कन लगाने लगे हैं निकाल के। फाइनली भाई हम चेंज करवा चुके हैं ऑयल, और अब हम निकलने लगे हैं यार, घर को जा रहे हैं, देख सकते हैं आप वापसी की तरफ रवाना हो चुके हैं हम, और अब हम घर जाएंगे पहले, फिर उसके बाद आपको जलसे का भी सीन दिखाते हैं यार। यार हम घर से होके आ चुके हैं यार, हमने शाल वगैरह उठाई है, खाना वगैरह भी खा लिया है, और अब ये देखें राणा साहब भी मौजूद है मेरे साथ इस वक्त, और हम लोकेशन पे भी पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा जलसा हो रहा है का। तो आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं चल के हम। तो जनाब मियां इम्तियाज साहब, रहीमिया खान की सियासत के सुल्तान का भरपूर इस्तकबाल किया जाए, ताकि उनको पता चले कि चक 72 ये डंडा देके मियां इम्तियाज का हमने इस्तकबाल करना है। रहीमिया खान की सियासत के सुल्तान मियां इम्तियाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद वो अंदर तशरीफ ले आए। इम्तियाज साहब और उमर जाफर साहब दोनों हमारा पंडाल पे आने पे मैं खुशामदीद कहता हूँ, तमाम दोस्त खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें, और तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए। देखे बुझे मिल रहे हैं आगे होके दे थोड़ा यार। और तमाम आने वाले मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से मैं खुशामदीद कहता हूँ, और तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि बैठ जाए, ताकि हम अपने महबूब भाई दीन का करीम ना सल्ले अला मुहम्मद। और अपने ख्यालात के इजहार करें जनाब उस्ताद काबिल साहब। Mia de la Reba
असलामुअलैकुम सारे दोस्तों नूं। माशाल्लाह जी तुहाडे नौजवानां दा इत्माद आ सारिआं दा साडे ते जिहड़े इकट्ठे हो के आए ने साडी वास्ते। बाकी गल मुख्तसर जी करांगे, टाइम बहुता नहीं लवांगे। सारिआं नूं पता वा, मियां साहब नूं पता लग गया वा, वसीम भाई, अनादार भाई, विकास भाई, इन्होंने साडे नाल राबते कीते पहले, क्योंकि असीं तां आजाद ही सीगे सारे। असीं कोई पार्टी बादी दा चक्कर नहीं हैगा सी साडा, समझ लो। इत्थे तुसीं पंडाल दे विच देख लो, नौजवानां दी तादाद देख लो ते बाकीआं दी तादाद देख लो। पाकिस्तान 70% आबादी नौजवानों की है। इस वास्ते साडा यही मुतालबा मियां साहब नूं, उमर जफर साहब नूं, जो भी करना वा हुण नौजवानों वास्ते करो, क्योंकि बच्चे देख लो ते नौजवान देख लो, सब तो ज्यादा ये बच्चे तंग, आबादी वधी जा रही है, खेलण की जगह घटी जा रही है। असी आप स्पोर्ट्समैन हाँ, असी इस वास्ते अपना एक बेहतरीन जहां मुतालबा सामने रखा, साफ सुथरी जगह खेलण वास्ते बच्चों नूं मुहैया की जाए। हर बंदा इत्थों उठ के जाके स्टेडियम जा खेल नहीं सकता। ऐसे मुतालबे के नाल मियां साहब की शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सानू इतमाद दिलाया कि इंशाल्लाह मैं इन्होंने नौजवानों को ग्राउंड लैके दवांगा। तो वसीम भाई ने इस चीज़ की गरंटी दी सानू, असीं कहा भाई असीं तुहाडे नाल आ बिल्कुल हर तरह, तो बाकी नौजवान साढ़े नाल आ, असीं तुहाडे नाल आ। तो बाकी मियां साहब साडा कोई होर मुतालबा नहीं, ना असीं कोई बंदा जेल च छुड़ाउणा वा, ना कोई थाने का काम कहना तुहानू, ना कोई इदां दा काम आ साडा। साडा साफ सुथरा जिहा मुतालबा वा, पहले कला वास सकता सी, हुण माशाल्लाह अद्धा पिंड वास सकता वा इस गल दी। ते इसे तरह मेरा यही सारे नौजवानां नाल इत्थे जुड़ के नाल चलो, इंशाल्लाह जिहड़ा भी काम आ, जिहड़ा भी मुतालबा, जदों ज्यादा आवाजां उठदियां वा ना फिर ही कोई काम आउंदा वा। जे आप ना करे तो ग्राउंड की गल शायद कोई भी ना करता, इन्होंने दसना पैंदा वा, इन्हों नहीं पता यार की मामला था, आप इतने रहने वो नहीं इतने रहते। इस वास्ते तुसीं अपने मामला आप देखो हर बंदा। यार मैं घर आ चुका हूँ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी जलसे की, तो मैंने कहा चलो यार घर चलते हैं, हमें बोरिंग जलसा था बिल्कुल। तो मैं घर आ चुका हूँ और इधर ही हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।